सपा प्रमुख अखिलेश यादव अक्सर ही यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। कभी ट्वीट के जरिए तो कभी जुबानी हमला बोलकर योगी सरकार पर तंज कसते नजर आते हैं। अखिलेश यादव के ये ट्वीट कभी सरकार पर तीखा वार करने वाले होते हैं तो कभी अखिलेश के ये ट्वीट इस तरह के होते हैं कि जो ट्विटर यूजर्स के साथ साथ राजनीति में भी चर्चा के लिए काफी मसाला दे जाते हैं। अखिलेश यादव का एक ऐसा ही ट्वीट सामने आया है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल अखिलेश ने अपने ट्वीट में आगरा में पर्यटकों पर बंदरों के हमले को लेकर योगी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि ताजमहल में विदेशी पर्यटकों को बंदर द्वारा काटे जाने का समाचार बेहद गंभीर है। देश प्रदेश में आर्थिक बदहाली के बीच अगर विदेशी पर्यटक डर गए तो पर्यटन उद्योग व उत्तर प्रदेश की आय का साधन भी प्रभावित होगा। इस ट्वीट का अगला हिस्सा ज्यादा चुटीला है। इसमें अखिलेश ने कहा कि डीएम के चश्मे की तरह क्या बंदर पकड़ने का फंड भी बंदर ले उड़े या उसकी बंदर बांट हो गई। दरअसल बीते दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें एक विदेशी महिला को बंदरों ने घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक ताजमहल में बंदरों के झुंड ने सोमवार को हमला कर एक विदेशी महिला पर्यटक को घायल कर दिया। ये महिला स्पेन की रहने वाली है और बंदरों ने उन्हें ताजमहल के भीतर घेर लिया था। सोमवार की सुबह लगभग 9 बजे महिला अपने पुरुष मित्र के साथ ताजमहल गई थी। दोनों पर्यटक जैसे ही चमेली फर्श पर पहुंचे तभी महिला को बंदरों ने घेर लिया। अचानक एक बंदर ने उसके पैर में काट लिया। काटने के बाद महिला पर्यटक जोर जोर से रोने लगी। वहीं मौके पर मौजूद एक फोटोग्राफर ने घायल महिला का प्राथमिक उपचार कर दिया। फोटोग्राफर ने महिला के पैर में कपड़े की पट्टी बांध दी। इसके बाद दोनों पर्यटक होटल के लिए रवाना हो गए। इसी मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ताजमहल में बंदरों के हमले बढ़ रहे हैं। 11 सितंबर को तमिलनाडु के एक पर्यटक को बंदर ने काट लिया था। इसके अगले ही दिन एक स्वीडन की महिला को भी बंदरों ने हमला करके घायल कर दिया था। इसके बाद 14 सितंबर को दो विदेशी महिला को चमेली फर्श पर बैठे हुए घेर लिया। बमुश्किल पर्यटकों ने अपनी जान बचाई। एक बच्चे को भी बंदर ने पीठ पर काट कर घायल कर दिया था। इन मामलों को देखते हुए ताजमहल में तैनात CISF के कमांडेंट ने कमिश्नर को पत्र लिखा था। उन्होंने बंदरों से निजात पाने के लिए आग्रह किया था। इससे पहले भी कई बार SI और CISF लगातार नगर निगम एवं वन विभाग को बंदरों को पकड़ने के लिए पत्र लिख चुके हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और लगातार पर्यटक बंदरों के हमलों से घायल हो रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।